बच्चे की आंखें उसके सवाल और उसकी गर्दन पर उभर आए शैतान के चिन्ह को देखकर प्रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मारे दहशत के उसने जोर से चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल सकी। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हम कोई डरावना सपना देखते हैं और लाख चाहने के बाद भी हमारी चीख नहीं निकल पाती, प्रिया की चीख भी अंदर ही अंदर घुटकर रह गई थी। वो जोर से छटपटा उठी और उसने पूरी ताकत के साथ उस बच्चे को अपने ऊपर से दूर धकेल दिया। लेकिन ऐसा करने के दौरान प्रिया खुद बेड से नीचे गिर पड़ी और इस बार सचमुच उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। वो बच्चा तेजी से उठा और उससे भी तेजी से प्रिया पर झपटा, लेकिन अब प्रिया में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बिजली की तेजी से उठी और हॉस्पिटल के उस लेबर रूम से बाहर आ गई। इसके बाद भी प्रिया रुकी नहीं, वो अपनी पूरी ताकत से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ने लगी। इस वक्त वहां कोई नहीं था, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सामने से दो नर्सेज आती हुई दिखाई दी। प्रिया उनसे ऑलमोस्ट टकराते टकराते बची। अरे अरे अरे, व्हाट हैपेंड? एक नर्स ने हैरानी से पूछा। आर यू ओके? या, घबराई आवाज में प्रिया ने कहा। आई एम ऑल फाइन, वेयर इज द एग्जिट? उस नर्स ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को देखते हुए एग्जिट की तरफ इशारा कर दिया। दौड़ती हुई प्रिया हॉस्पिटल से बाहर आ गई। उसे सामने सड़क पर एक टैक्सी नजर आई। मेफेयर स्ट्रीट प्लीज। अपनी उखड़ती सांसों पर काबू पाते हुए प्रिया ने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बताया और सीट पर निढाल होकर लेट गई। टैक्सी फौरन तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। नो, इट कांट बी पॉसिबल, प्रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की। इट वॉज जस्ट अ नाइटमेयर, बस एक डरावना ख्वाब था ये सब, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपनी आंखें बंद करके प्रिया इन सब इंसिडेंट्स को भूलने और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। और अब प्रिया घर पहुंची तो काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। अरे प्रिया, माँ ने उसे देखते ही पूछा। वेयर हैव यू बीन बेटा, हम सब लोग कितने वारिक थे तुम्हें लेकर। इसके बाद माँ ने आगे बढ़कर प्रिया को अपनी बाहों का सहारा दिया और सोफा चेयर पर बिठाने लगी। लेकिन प्रिया एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, डोंट वरी मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई जस्ट नीड अ नैप। इतना कहने के साथ ही प्रिया तेजी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस लेकर प्रिया को जाते देखती रही। वो समझ सकती थी कि आदित्य का यूं इस तरह से चले जाना प्रिया के लिए कितना बड़ा सदमा साबित हुआ है। बेडरूम में जाने के साथ ही प्रिया ने जो सबसे पहला काम किया वो ये कि वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और बहुत ही गौर से खुद की बॉडी को एग्जामिन करने लगी, स्पेशली अपने पेट को। लेकिन सब कुछ तो नॉर्मल था। प्रिया को खुद को देखकर ही नहीं लग रहा था कि वो अभी कुछ ही देर पहले प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। ऐसे कोई निशान उसकी बॉडी पर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसका पेट बिल्कुल पहले की तरह फ्लैट था। थोड़ी देर पहले जो उभार और जो काले नीले निशान थे वो मानो किसी मिरेकल की तरह गायब हो गए हों। सो इट वॉज जस्ट अ नाइटमेयर, प्रिया ने राहत की सांस लेते हुए खुद से ही कहा। फिर एकाएक उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई। अभी जो कुछ भी हुआ उसे याद करके, ऐसा भी कहीं होता है, एकदम से 9 मंथ प्रेग्नेंट हो गई थी एंड वो सडन डिलीवरी, हाउ वियर्ड इट वाज। प्रिया पूरी तरह से श्योर थी कि जो कुछ भी था वो एक डरावना सपना था या ऐसा ही कोई अजीब सा ख्याल, शायद आदित्य की अचानक मौत से पैदा हुआ कोई मेंटल डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हो सकता है प्रिया ने खुद ही ये सब डरावनी कल्पनाएं कर ली हों। ये सब सोचते सोचते अचानक एक दूसरे ख्याल ने प्रिया को घेर लिया, आदित्य का ख्याल। प्रिया का चेहरा अब फिर से पुछ गया। आदित्य को याद करके उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई और बहुत ही शिद्दत से आदित्य की यादों में खो गई। वो खुद को आदित्य की बाहों में महसूस करना चाहती थी, उसके सीने पर अपना सर रखकर देर तक सोते रहना चाहती थी।
अगली सुबह प्रिया की नींद माँ की आवाज से टूटी। उसके बेडरूम में दोपहर की धूप फैली हुई थी और माँ सामने गरम गरम कॉफी लेकर खड़ी हुई थी। बहुत देर तक सोती रही तुम, माँ ने आगे बढ़कर कॉफी का मग एक साइड टेबल पर रखा और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए बेटा, लेकिन अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश करो, तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसके बाद माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, काश तेरे डैड होते तो तुझे कभी इतनी देर तक उदास नहीं रहने देते। माँ की ये बात सुनते ही प्रिया की नजरें अपने बेडरूम की एक दीवार पर टंगी अपने डैड की बड़ी सी तस्वीर पर चली गई। उस तस्वीर में डैड वैसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे हमेशा मुस्कुराया करते थे, और तस्वीर में भी उनके हाथ में वैसी ही एक बड़ी सी किताब थी जैसी किताबें डैड की बुकशेल्फ में हुआ करती थी। अले ले ले, हमारी प्रिंसेस को चोट लग गई, चलो हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। प्रिया के कानों में डैड की आवाज गूंजी। उसे याद आया डैड के पास उसके हर दुख हर परेशानी का इलाज था। डैड उसे अपनी उन मोटी मोटी किताबों में से कोई ना कोई मजेदार सी कहानी सुनाया करते थे और प्रिया अपनी हर परेशानी अपनी हर तकलीफ भूल जाया करती थी। माँ बेडरूम से जा चुकी थी और प्रिया अपनी कॉफी फिनिश करते हुए लगातार डैड की तस्वीर को ही देख रही थी। तभी प्रिया की नजर उस किताब पर पड़ी जो डैड ने अपने हाथों में पकड़ के रखी थी। दिखने में ये कोई पुरानी सी किताब नजर आती थी। लेदर के हार्ड कवर में लिपटी हुई ये किताब प्रिया को पता नहीं क्यों पर थोड़ी मिस्टीरियस सी लगी। प्रिया तस्वीर के नजदीक जाकर गौर से उस किताब को देखने लगी। किताब का टाइटल जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ अजीब से वर्ड्स और सिंबल्स भी थे। वहीं प्रिया को एक तिकोना सा निशान दिखाई दिया। इसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये निशान तो मैंने कहीं देखा है, प्रिया ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए खुद से कहा, लेकिन डैड की किताब पर ये सिंबल कैसे आया। प्रिया ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर तेजी से डैड के स्टडी रूम की तरफ चल दी। डैड के चले जाने के बाद उनकी वो सारी किताबें उसी तरह सहेज कर उनकी बुकशेल्फ में रखी हुई थी। प्रिया दिन भर वहां मौजूद एक एक किताब को बहुत ही गौर से देखती रही, लेकिन उसे वो किताब कहीं भी दिखाई नहीं दी जो उस तस्वीर में डैड के हाथों में थी। आखिर वो किताब कहां हो सकती है, प्रिया के दिमाग में ये सवाल तेजी से घूम रहा था। अगर वो किताब डैड की बुकशेल्फ में नहीं है तो फिर क्या वो किताबें यहां से गायब हो चुकी हैं? तभी प्रिया को एक छोटा सा कैबिनेट दिखाई दिया जो सिर्फ बंद था लेकिन लॉक्ड नहीं था। उसे खोलने पर वहां कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखे दिखाई दिए, लेकिन जिस चीज से प्रिया का ध्यान फौरन खिंचा वो था एक छोटा सा कार्ड। प्रिया ने उसे देखा, वहां बस एक नाम लिखा हुआ था, सेंटेनियल लाइब्रेरी। ये तो शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, प्रिया को फौरन याद आया, डैड इस लाइब्रेरी के मेंबर थे और एक बार प्रिया जब बहुत छोटी थी तो डैड उसे उस लाइब्रेरी में लेकर भी गए थे। हो सकता है तस्वीर में डैड के हाथ में जो मिस्टीरियस सी बुक है वो डैड ने इसी लाइब्रेरी से इशू करवाई हो और फिर वहीं वापस भी लौटा दियो, तभी तो वो किताब डैड के पास नहीं है। प्रिया के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया वो फौरन सेंटेनियल लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो गई। ये लाइब्रेरी शहर से काफी दूर एक बहुत ही पुराने और सुनसान इलाके में थी। उसके पीछे से एक बड़ा सा ग्रेवयार्ड भी था। प्रिया जब तक यहाँ पहुंची तब तक शाम ढल चुकी थी। उसने देखा कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी, लगभग खंडरनुमा। ऐसा लगता था जैसे यहाँ शायद ही कोई आता हो। लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर कोई नहीं था, लेकिन अंदर रिसेप्शन काउंटर पर बहुत ही बूढ़ा सा आदमी अपनी आंखों पर मोटे मोटे लेंसेस का चश्मा लगाए हुए किसी किताब में डूबा हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, प्रिया ने पूछा, ओल्ड बुक्स का सेक्शन कहाँ पर है, मैं कुछ पुरानी किताबें तलाश कर रही हूँ। बूढ़े ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को देखा फिर कंपकपाती आवाज में बोला, शो मी योर मेंबरशिप प्रूफ। प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाई
फिर उसने फौरन अपने डैड का वही कार्ड उस बूढ़े आदमी को दिखाया। बूढ़े ने कार्ड को बहुत ही गौर से उलट पुलट कर देखा, फिर एक गलियारे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां चली जाओ, लेकिन शोर बिल्कुल मत करना। डोंट डिस्टर्ब द अदर रीडर्स। प्रिया को थोड़ी हैरानी हुई, ये बूढ़ा ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इस खंडरनुमा लाइब्रेरी में तो उसके सिवा दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। उस लंबे गलियारे को पार करके प्रिया जब पुरानी किताबों वाले सेक्शन में पहुंची तो उसका दिमाग बुरी तरह से चकरा गया। वहां बहुत सारी और बहुत ही ऊंची ऊंची बुकशेल्स रखी हुई थी जिनमें अनगिनत किताबें मौजूद थी, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। धूल मिट्टी की मोटी परत इन पर छाई हुई थी और कहीं कहीं तो मकड़ी के बड़े बड़े जाले भी लटक रहे थे। प्रिया ने खुद से कहा, ओह, अब इनमें वो डैड वाली किताब कौन सी होगी और मैं उसे कैसे सर्च करूंगी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हैरान परेशान सी प्रिया अभी ये सोच ही रही थी कि एक अजीब सी लड़खड़ाती हुई आवाज उसे सुनाई दी। जब कुछ समझ में नहीं आए तो इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। प्रिया ने फौरन चौंक कर पीछे देखा, वहां एक आदमी खड़ा हुआ था। उसका हुलिया और ड्रेसिंग बहुत ही वियर्ड था। एक पुराना और फटेहाल सा ओवरकोट उसने पहना हुआ था। उसके सर के बाल थोड़े लंबे और चेहरे पर बहुत ही बेतरतीब सी दाढ़ी थी। कौन है आप? प्रिया ने थोड़ी हैरानी से पूछा। वो आदमी प्रिया के नजदीक आते हुए बोला, मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, बट यस, लोग मुझे डिमेलो कहते हैं, तो मैं खुद को डिमेलो ही कहना शुरू कर देता हूँ, बट मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर इस डिमेलो का मतलब क्या है। प्रिया को समझ में आ गया था कि कोई आदमी ये खिसका हुआ है, लेकिन जब वो प्रिया के नजदीक आया तो प्रिया को शराब की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आई, यानी डिमेलो नाम के इस आदमी ने बहुत पी रखी थी। प्रिया ने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, आपने मुझे अभी क्या कहा था डिमेलो? यही कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, डिमेलो ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। और वैसे भी प्रिंसेस, तुम जो चीज ढूंढ रही हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। ये सुनकर प्रिया एकदम से शॉक्ड रह गई। प्रिंसेस, इस नाम से तो डैड प्रिया को बुलाते थे, फिर ये डिमेलो उसे ऐसे क्यों इंटरेस्ट कर रहा है? लेकिन प्रिया अभी कोई सवाल डिमेलो से करती कि उसे उसने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम एक बहुत ही छोटी सी बच्ची हुआ करती थी जब पहली बार इस लाइब्रेरी में अपने डैड के साथ आई थी, और तुम्हारे डैड तुम्हें यही कहकर बुलाते थे, प्रिंसेस। अब प्रिया की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। कमाल है, जब मैं पहली बार यहाँ डैड के साथ आई, इस बात को तो बहुत साल बीत चुके हैं, और इस आदमी डिमेलो से तो मैं कभी नहीं मिली, कभी से देखा नहीं, फिर यह आदमी मुझे कैसे पहचान गया? इस पर डिमेलो ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखें जो एक बार देख लेती हैं, मेरे कान जो एक बार सुन लेते हैं, वो मुझे हमेशा याद रहता है प्रिंसेस, लेकिन खैर छोड़ो ये सब, अब हम काम की बात करते हैं। इसी के साथ डिमेलो ने अपने ओवरकोट में से एक विस्की का क्वार्टर निकाला और एक बड़ा सा घूंट मारकर फिर उसे फौरन अंदर रख लिया। प्रिया ने कहा, ओके मिस्टर डिमेलो, आप बेशक मुझे पहचानते होंगे, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ कौन सी किताब ढूंढने आई हूँ? प्रिया की इस बात पर डिमेलो ने अचानक एक ठहाका लगाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो किताब तुम्हारी मंजिल नहीं है प्रिंसेस, तुम्हें तो किसी और चीज की तलाश है। वो चीज तो तुमसे हाल ही में खो गई है, लेकिन तुम्हारा दिल उसे मानने को तैयार नहीं है, जिसे तुम बहुत ही शिद्दत से याद करती हो। इसके बाद डिमेलो अचानक एकदम से खामोश हो गया, फिर प्रिया के कान में फुसफुसाते हुए बोला, और जब तक उस चीज को तुम याद करती रहोगी, तब तक वो चीज हमेशा जिंदा रहेगी। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अभी वो कुछ कह पाती इससे पहले किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
जिसे सुनकर डिमेलो बुरी तरह से इरिटेट होते हुए कहता है, वो बूढ़ा कूसट लाइब्रेरियन इधर ही आ रहा है, मैं चलता हूँ, गुड बाय प्रिंसेस। इसी के साथ डिमेलो उन बड़ी बड़ी बुकशेल्फ्स की आड़ में छुपता छुपाता एक दूसरे गलियारे की तरफ चल दिया। प्रिया ने फौरन आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वो बूढ़ा लाइब्रेरियन प्रिया को रोकते हुए बोला, मिस मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पर शोर मचाना मना है, चलिए आप, वैसे भी अब लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो चुका है, प्लीज लीव। अब ना चाहते हुए भी बहुत ही बेबसी के साथ प्रिया को उस लाइब्रेरी से बाहर आना पड़ा। लेकिन प्रिया के दिमाग में एक के बाद एक बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कौन था ये डिमेलो? कहां से आया था? कहां चला गया? बल्कि वो तो लाइब्रेरी में इस तरह से खड़ा हुआ था जैसे वहां पर प्रिया के आने का इंतजार कर रहा हो। क्या वो डैड और उस किताब के बारे में कुछ जानता था? हाँ जरूर जानता होगा, लेकिन फिर उसने प्रिया को किताब की जगह किसी दूसरी चीज को तलाश करने की बात क्यों कही? किस चीज को याद करने को कह रहा था वो? इन्हीं सब ख्यालों में उलझी हुई प्रिया लाइब्रेरी से थोड़ा दूर पार्क की हुई अपनी गाड़ी की तरफ आ गई। अचानक वो चौंक उठी। उसने गौर किया कि अंधेरा हो चुका है और अब ये इलाका बहुत सुनसान नजर आ रहा है। लाइब्रेरी भी अब बंद हो चुकी थी और अब प्रिया के अलावा दूसरा कोई भी शख्स वहां नजर नहीं आ रहा था। तभी प्रिया की नजर दूर उस ग्रेवयार्ड की तरफ चली गई। पता नहीं प्रिया को क्या हुआ, वो मानो किसी जादू के जोर से आगे बढ़ती हुई उस ग्रेवयार्ड के बहुत नजदीक आकर खड़ी हो गई। यहाँ बहुत ही घना अंधेरा और बहुत ही भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी प्रिया को डिमेलो की वही फुसफुसाहट भरी बात फिर से याद आई, जब तक उस चीज को तुम याद करते रहोगी तब तक वो चीज हमेशा जिंदा रहेगी। आखिर कौन सी चीज की बात कर रहा था डिमेलो जिसे मुझे हमेशा याद रखना है? प्रिया इसके बारे में अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में जैसे कुछ फ्लैश हुआ। प्रिया ने अपनी आंखें बंद करके खुद से ही कहा, आदित्य। हाँ आदित्य तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे ही तो खो दिया है मैंने और उसे ही तो मैं इतनी शिद्दत से याद करती हूँ। तभी प्रिया ने कुछ महसूस किया, एक खुशबू जो उसके चारों तरफ जैसे लिपट गई थी, वो इसे फौरन पहचान गई, आदित्य का फेवरेट परफ्यूम। अपनी आंखों को बंद किए हुए प्रिया ने खुद से कहा, यस आई कैन स्मेल इट। जब आदित्य मुझे अपनी बाहों में लेता था तो यही खुशबू ठीक उसी तरह मेरे चारों तरफ लिपट जाया करती थी। यस आई कैन फील हिम, आदित्य मेरे पास ही है, बहुत नजदीक। और इसी के साथ प्रिया ने साफ साफ सुना, किसी ने उसका नाम लेकर विस्पर किया था, प्रिया। प्रिया इस आवाज को पहचानती थी, आदित्य की आवाज। उसने फौरन अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने बहुत तेज रोशनी थी, हर तरफ बस उजाला ही उजाला। ऐसी डिवाइन रोशनी उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये रोशनी आ कहां से रही थी, इसका कोई सोर्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन सी जगह है ये? प्रिया भी ये सोच ही रही थी कि उसे फिर से वही विस्पर सुनाई दिया, प्रिया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और प्रिया का दिल बस धक से रह गया। वहां आदित्य खड़ा हुआ था, उस डिवाइन रोशनी में नहाया हुआ आदित्य प्रिया की तरफ देखकर अपने उसी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। ऐसे क्या देख रही हो प्रिया, आदित्य ने कहा, मैं ही तो हूं तुम्हारा आदि। प्रिया को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। तभी आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रिया के चेहरे पर आ रही बालों की एक लट को छूते हुए कहा, मुझे याद रखने का शुक्रिया प्रिया। ओह आदि, प्रिया अब खुद को रोक नहीं पाई और आदित्य के सीने से लग गई। आदित्य ने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओह आदि, मेरे आदि, प्रिया की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। क्यों क्यों तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए आदि, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? तुमने
तुमने क्या एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारी प्रिया पर अब क्या गुजरेगी? अपने आदि के बिना वो कैसे जिएगी? आदित्य ने बहुत ही धीमे और लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन शायद हमारी किस्मत में बस यही लिखा था। इसके बाद वो प्रिया के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो प्रिया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रिया अब आदित्य को पागलों की तरह चूमते हुए बोली, आदि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ आदि, वापस चलो आदि। आदित्य ने प्रिया के होंठों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, एक दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा प्रिया, लेकिन अभी मेरा यहां से लौटना नामुमकिन है। बट वाई आदि? प्रिया ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों नहीं चल सकते यहां से? आखिर कौन सी जगह है ये? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रोशनी की दुनिया है प्रिया, यहाँ बस रोशनी ही रोशनी है, यहाँ की हर एक चीज डिवाइन रोशनी से जगमगाती है, ये बहुत खूबसूरत दुनिया है प्रिया, सो ब्यूटिफुल एंड वेरी पीसफुल। तो क्या तुम अपनी प्रिया के लिए ये दुनिया नहीं छोड़ सकते? प्रिया ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, धनोके मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी आदि, क्योंकि अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। अरे नहीं पगली, आदित्य ने फौरन प्रिया के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते, ऑलवेज विश कि तुम्हें यहां कभी ना आना पड़े। तभी अचानक आदित्य रुक गया। प्रिया ने थोड़ी हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड आदि? लेकिन आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखों में अचानक एक डर नजर आने लगा, और इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, वो जगह जो पूरी तरह से रोशनी में डूबी हुई थी, वो अचानक से धीरे धीरे अंधेरे में ढलने लगी। आदि ये क्या हो रहा है? घबराई हुई प्रिया ने आदि से पूछा, लेकिन अब वहां बहुत ही तेजी से अंधेरा फैलने लगा था, और ठीक उसी वक्त प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया हो। आदि! प्रिया दहशत के मारे चिल्ला उठी, मुझे बचाओ आदि! लेकिन अब वहां आदित्य नहीं था, वो सारी रोशनी एक झटके के साथ बुझ चुकी थी, और एक झटके के साथ ही किसी ने प्रिया को उसके बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। छटपटाती हुई प्रिया उस गहरे अंधेरे में दूर जाकर गिरी। उसने फौरन पलटकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके सामने वही बच्चा खड़ा हुआ था जिसे प्रिया ने जन्म दिया था। बच्चे की आंखें किसी अंगारे की तरह सुलग रही थी, वो किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए बोला, तू मुझे वहां हॉस्पिटल में बेसहारा छोड़कर चली गई थी ना, लेकिन मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के साथ ही वो प्रिया पर झपट पड़ा और चिल्लाते हुए बोला, बोल माँ, कौन है मेरा बाप, बोल! लेकिन प्रिया इस डरावने नजारे को देखकर कब की बेहोश हो चुकी थी।